सो नाउ वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ सिग्नल। लास्ट टाइम भी हमने किया था ये सिग्नल के बारे में कि सिग्नल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ये लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सिग्नल। सो टाइप्स ऑफ सिग्नल में हमने क्या देखा है, एनर्जी सिग्नल दिया है, देखा है। और अब हम देखते हैं कि जैसे पीरियडिक सिग्नल, अपीरियडिक सिग्नल, एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, और इसके ये प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ऑड और इवन सिग्नल। जैसे कि कोई भी सिग्नल को हम ऑड और इवन सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सारे चीज़ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल, जैसे टी डोमेन में दिया हुआ है कोई सिग्नल, तो टू टाइम्स यदि हम कर देते हैं सिग्नल को, एक्स टी दिया हुआ है तो एक्स टू टी क्या होगा, एक्स टी बाई टू क्या होगा, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में ये करीब करीब एक या दो नंबर का ये आता है, कंफर्म क्वेश्चन है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल। तो ये सारे चीज़ आप यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो बेहतर स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ सिग्नल। टाइप्स ऑफ सिग्नल, जैसे हमने एनर्जी सिग्नल ऑलरेडी कर दिया है, और एवरेज, जैसे ये पीरियडिक सिग्नल है, पीरियडिक सिग्नल, तो इसका हमने क्या देखा था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पीरियडिक सिग्नल का, जैसे एक्स टी है ये, तो एक्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टी प्लस एन टी। सो वेयर टी इज पीरियडिसिटी ऑफ द सिग्नल, ठीक है। और एन क्या है, इंटीजर है, तो यदि हम एन इक्वल टू वन रखते हैं तो ये जो टाइम है कैपिटल टी, इसको कहते हैं फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। इफ एन इक्वल टू वन देन टाइम पीरियड इक्वल टू टी नॉट, ठीक है, इसको कहते हैं टी नॉट, एंड टी नॉट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, वेयर टी नॉट इज फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पीरियडिक सिग्नल ए साइन ओमेगा नॉट टी, या यहाँ पे एन भी रख दो, ये तो टी कितना हो जाएगा इसमें, टी इक्वल टू कितना होता है, यदि एन इक्वल टू हम वन रखें तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा,
टी नॉट हो जाएगा। तो टी नॉट का वैल्यू टाइम पीरियड कितना होता है साइन का, जैसे हम यहाँ पे ये साइन का ग्राफ है दीदी, यहाँ पे ओमेगा टी, तो यहाँ पे टी कितने के लिए होगा, ये 2 पाई पे होगा है ना, 2 पाई पे क्या होगा, ये पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीरियोडिक सिग्नल। कॉस का भी सेम होता है, 2 पाई होता है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का वेरिएशन कितना होगा, प्लस माइनस ए, ये हो गया। ये कंटिन्यूअस टाइम के लिए, डिस्क्रीट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ये ए साइन कैपिटल एन, ठीक है। ये अगेन क्या हो गया, ये एन पीरियडिसिटी हो गया, ये पीरियडिसिटी, ठीक है। ये पीरियडिसिटी हो गया। तो यदि आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को आप रिप्रेजेंट करते हो, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, जैसे डिस्क्रीट टाइम को यदि आप रिप्रेजेंट करते हो साइन, यहां टी के जगह पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये हो गया एक्स एन। एक्स एन इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एन। अब एन कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, है ना, ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल नहीं है, ये डिस्क्रीट सिग्नल है। तो इसका फिगर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपीयर होगा, ये 0 टाइम पे है, ये 1 टाइम पे है, ये हो गया 2 टाइम पे, एंड सो ऑन। ये जहाँ पे लाइन है वहीं पे सिग्नल अपीयर होगा, ये जहाँ पे होगा केवल लाइन अपीयर होगा डिस्क्रीट में, है ना। ये एक्शन हो गया, ये ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया पीरियोडिक सिग्नल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, पीरियोडिक सिग्नल का। केवल साइन और कोसाइन पीरियडिक नहीं होता है, और भी काफ़ी सारा सिग्नल है जो कि पीरियडिक हो सकता है। सपोज करो ये एक पल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये 0 है, ये एक्स टी, और यहाँ पे ये हो गया टी, ठीक है। एक दूसरा पल्स यहाँ भी है, सबका एम्पलीट्यूड सेम है और शेप भी सेम है। तो यहाँ पे जो होगा ये फंडामेंटल पीरियड होगा टी नॉट, ठीक है, और ये हो गया 2T0 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ भी होगा ये
ये माइनस टी नॉट माइनस टू टी नॉट एंड सो ऑन। ये भी क्या हो गया, तो ये टू टी नॉट हो गया। देखो ये फंडामेंटल पीरियड है ना, इसको ये फर्स्ट हार्मोनिक यदि वन बाई टी नॉट करते हो तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। जैसे यहाँ पे ये किसी भी ये पीरियोडिक सिग्नल है ये, जिसका फंडामेंटल पीरियड टी नॉट है, तो उसको वन बाई टी नॉट को हम कहते हैं एफ नॉट, एफ नॉट एंड दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। लिख लिए, ऑड एंड इवन सिग्नल। ऑड एंड इवन सिग्नल में हमने क्या पढ़ा था कि कोई ये जो कोई भी सिग्नल, मान लो कि ये एक्स एन है, ये एक्स एन, और ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया एक्स एन, और एक्स टी हो गया कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू क्या होता है ऑड के लिए, ऑड के लिए क्या हो जाएगा, ये ये होता है ऑड के लिए, ये ऑड के लिए हो गया, ठीक है ना। और इसका जैसे फिगर क्या हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिक होता है, ये जैसे ऐसे पल्स है, ये कोई ये अनसिमेट्रिक है, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड सिग्नल हो जाएगा। ये कॉन्टिन्यूस टाइम डोमेन में, डिस्क्रीट में भी आप दिखा सकते हो, ये सपोज करो ये एक्सन सिग्नल है, ये एक्सन सिग्नल है, ये हो गया कोई एक्शन सिग्नल। तो सिमिलरली एक दो तीन चार पांच, तो ये हो जाएगा ऑड सिग्नल।
देखो यहाँ पे किस किस समय पे ये टाइम पे सिग्नल अपीयर है, एक तो जीरो टाइम पे है, ये हो गया 1, 2, 3, 4 and 5, 5 पे जीरो है, यहाँ भी ये जीरो पे हो गया, ये हो गया -1 पे -2 पे -3 और ये हो गया -4 और ये हो गया 5, तो ये हो गया आपके ऑड सिग्नल। ठीक है, और इवन सिग्नल हमने क्या बताया था, xn इक्वल टू क्या हो जाएगा, xn इक्वल टू x-n। यदि माइनस टाइम डोमेन से उसको करते हो, रिप्लेस करते हो, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और xt के केस में हो जाएगा xt इक्वल टू x-t। ये यदि इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, इवन सिग्नल, ये हो गया इवन सिग्नल। जैसे इसका एग्जांपल कॉस थीटा, एक्स टी, इफ एक्स टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा, इसको ओमेगा लिख लो, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस टी से रिप्लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा, एक्स माइनस टी इक्वल टू ए कॉस माइनस ऑफ टी। ठीक है, तो ए इक्वल टू उतना ही हो जाएगा, इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, माइनस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए क्या हो गया, इवन। तो यहाँ से ये मैक्सिमम होगा, ये इवन सिग्नल। ओमेगा टी देखो, जैसे कोई भी सिग्नल है ऐसे, सपोज करो ये ऐसे है, इसको यदि प्लट देते हो आप, ठीक है ना, ऐसे है सिग्नल, उसको ऐसे करते हो तो सेम आता है, यदि सिग्नल सेम आ रहा है तो क्या करना चाहिए, ये इवन सिग्नल हो गया, वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल होता है। जैसे ऐसे है, इसको ऐसे फोल्ड करते हो और वो सिग्नल सेम आ रहा है, जैसे ऐसे फोल्ड करने के बाद सेम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इवन सिग्नल होगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल। हो गया, देखिए कोई भी सिग्नल का ये प्रॉपर्टी होता है, कोई भी सिग्नल हो, ऑड हो या इवन हो, सो एनी सिग्नल any signal can be converted into odd and even signal।
किसी भी सिग्नल को हम ऑड और इवन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या दूसरे हिसाब से ये कह सकते हो, एनी सिग्नल कैन बी मेड ऑफ ऑड एंड इवन सिग्नल। कोई भी सिग्नल ऑड और इवन सिग्नल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, कोई भी सिग्नल। जैसे सपोज करो ये एक्स टी कोई सिग्नल है, लेट एक्स पी एक्स टी एक्स टी कोई सिग्नल है ये कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में, तो इसका ऑड और इवन पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हटा दिया जाए। तो एक्स टी इज एनी सिग्नल, तो इसका क्या होगा, ऑड पार्ट होगा और इवन पार्ट होगा। जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये सिग्नल बन जाएगा। तो इसका इवन पार्ट सपोज करो, इवन पार्ट सिग्नल इज इवन ऑफ एक्स टी, इवन पार्ट ऑफ एक्स टी, दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी। इसको कहते हैं इवन पार्ट, ई भी इवन पार्ट हो गया। इवन पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन एंड ऑड पार्ट ऑफ एक्स टी इक्वल टू हाफ एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी। ये हो गया ऑड पार्ट। ठीक है, तो किसी भी सिग्नल को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑड पार्ट एंड इवन पार्ट। तो ऑड पार्ट सिग्नल का ये हो जाएगा, इवन पार्ट ये हो जाएगा एंड ऑड पार्ट ये हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में ये आता है। ये मेसन ऑफ सिग्नल, इसमें ये कहता है सपोज करो ये कोई सिग्नल है, ये टी है ये टाइम और ये हो गया एक्स टी। ठीक है, ये कोई कॉन्टिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल है, ये एक्स टी हो गया, एक्स टी इज फंक्शन ऑफ टी। अब ये कहता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स टू टी पहला है और बी में है
एक्स टी बाई टू। थोड़ा डो करना, क्या होता है ये, आता है? देखो यहाँ पे ये सपोज करो ये टू है, यहाँ पे ये टू है और ये फोर है, यहाँ भी ये माइनस टू है, माइनस टू और ये माइनस, सिमेट्रिकल है ये। ऑड सिग्नल है कि इवन सिग्नल है ये? इवन सिग्नल है क्योंकि वाई एक्सिस का सिमेट्रिकल है ये। देखो तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, ये एक्स टू टी हमें निकालना है, ठीक है ना। एक्स टी गिवेन है, एक्स टू टी हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स टू टी कब फाइंड आउट होगा ये? देखो यहाँ पे जो जीरो है, टी इजकल टू जीरो पे ये सपोज करो ये समथिंग अमाउंट ए है, ये हो गया अमाउंट ए एम्पलीट्यूड। और यहाँ पे कितना है ये? दो एम्पलीट्यूड है ये, बी, ये सपोज करो बी एम्पलीट्यूड है ना। जीरो टाइम पे ये मैक्सिमम कितना है? ए एम्पलीट्यूड। एंड वन माइनस टू पे या टू पे कितना है ये? बी आ रहा है। अब हमें ये करना है, देखो यहाँ पे यदि टी इजकल टू वन रखते हैं, टी इजकल टू वन, तो समथिंग ये वैल्यू आएगा, टी इजकल टू यदि हम वन रखते हैं तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, ये टी इजकल टू वन एंड ए टी इजकल टू वन, यहाँ पे आएगा वन और ए माइनस वन, ठीक है। टी इजकल टू वन पे ये आ रहा है, टी इजकल टू टू पे इतना है, फोर पे इतना है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे टी इजकल टू वन पे एक्स टी इजकल टू वन पे कितना वैल्यू आएगा, और यहाँ पे टी का वैल्यू हमें कितना चाहिए वन आने के लिए, यहाँ पे यहाँ पे कितना आना चाहिए? टी इजकल टू वन बाई टू आना चाहिए, है ना, तभी तो आएगा ये। टी इजकल टू वन बाई टू पे टी इजकल इसके टी इजकल टू वन का वैल्यू आएगा, इसके लिए टी इजकल टू वन बाई टू का जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू यहाँ पे टी इजकल टू वन के लिए आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिए, ठीक है। और अब बताओ यहाँ पे t इजकल टू फोर है मैक्सिमम, मैक्सिमम यहाँ पे t इजकल टू फोर है, तो हम यहाँ पे फोर आने के लिए t का कितना वैल्यू चाहिए, कितना चाहिए? टू चाहिए, तभी तो फोर आएगा यहाँ पे, क्योंकि फोर के बाद तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे फोर के बाद तो कोई वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम t इजकल टू फोर है, तो यहाँ पे t इजकल टू फोर रखेंगे, मतलब है यहाँ पे, तो ये आ गया ये वैल्यू फोर पे है मैक्सिमम। अब इसके आगे तो है नहीं कुछ, तो यहाँ पे हम टी का कितना वैल्यू लेंगे कि यहाँ पे फोर आ जाए, तो दो कितना चाहिए यहाँ पे फोर आने के लिए? टू चाहिए ओनली, है ना। तो ये हो गया आपका टी हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा ये टी इजकल टू टू पे आएगा। देखो यहाँ पे ये टू है और यहाँ भी टू है, फोर हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये फोर, मतलब टू आएगा मैक्सिमम वैल्यू, यहीं तक आएगा इसका, और माइनस में भी सेम आएगा ये माइनस टू, बस ये सिग्नल इतना में कन्फाइंड हो जाएगा, माइनस टू टू टू। अब यहाँ बीच में क्या है, वन है, तो ये सिग्नल का हो जाएगा आपका ऐसे आएगा, ये हो गया एक्स टू टी। अब ये हो गया कितना पे आ जाएगा, ये वन पे आएगा, यहाँ भी कितना आएगा ये माइनस वन पे आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ यहाँ तो माइनस फोर पे है ना, वही तो हम बता रहे थे कि टू क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब टू रखेंगे तो फोर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू टी के लिए फोर ही यहाँ पे है, इसी का तो कन्वर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। इस सिग्नल को यदि हमने टू टू टाइम्स से यदि मल्टीप्लाई कर दिया तो सिग्नल में क्या इम्पेक्ट आएगा, वही तो दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे मैक्सिमम टी के वैल्यू कितना है, फोर है यहाँ पे, है ना, उसके बाद फाइव सिक्स या 4.1 से लेके इनफाइनाइट तक जीरो है, जीरो है ये, तो हमें तो फोर तक ही सिग्नल लेना है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए,
फोर होना चाहिए, फोर होने के लिए टी कितना चाहिए, टू होना चाहिए, तो यहाँ पे टू रख दिया, और यहाँ पे माइनस फोर है तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, माइनस टू पे, यहाँ पे यदि माइनस टू रखें टी के जगह पे माइनस टू रखते हैं तो माइनस फोर आ जाएगा, माइनस फोर आ गया है ना, और यहाँ भी टी के वैल्यू यदि माइनस टू रखते हैं तो फोर आ जाएगा। अब सपोज करो यहाँ पे 2.1 रखते हैं टी का वैल्यू, इस सिग्नल में टी इजकल टू हमने रखा, टी इजकल टू 2.1 ये रख दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 4.2, तो 4.2 पे सिग्नल कितना आएगा, 4.2 पे कितना आएगा सिग्नल, ऐसा मत कहो, सिग्नल यहाँ पे देखो 4.2 पे कितना है, ये तो गिवन है ना, ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ये और ये दिया रहेगा, तो जब दिया है इसी से तो हम निकालेंगे यहाँ पे, तो इस पे 4.2 पे सिग्नल कितना है, इस फिगर में 4.2 पे सिग्नल कितना है, कितना है, वही तो पूछ रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें 4.2 पे कितना सिग्नल, सिग्नल का वैल्यू कितना है, ये फिगर में 2.1 पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, मतलब ये 4.2 पे, 4.2 व्हेन टी इज इक्वल टू, टी इजकल टू 4.2 पे इसमें सिग्नल का वैल्यू कितना है, समझ में नहीं आया, रुको रुको, लगता है ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गए, इसको रहने देते हैं, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे यदि इस सिग्नल में देखो, उसको हटा दो, इस सिग्नल में देखो, व्हेन व्हेन टी इजकल टू 4.2, ठीक है, व्हेन टी इजकल टू 4.2 देन एक्स टी इजकल टू व्हाट, ये बताओ, अब समझ में आया क्वेश्चन, इतना सिंपल है फिर भी नहीं आ रहा है, कैसे काम चलेगा, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, टी हमने रखा 4.2, यहाँ तो 4 है, ये माइनस 4 है, तो 4.2 कहीं पे यहाँ पे होगा ये, तो सिग्नल वैल्यू कितना है, ऐसा करो दीवार में एक बार ऐसे ऐसे करो तब आएगा, अभी भी समझ में नहीं आया, हाँ तो थोड़ा सा आगे होगा, तो कितना वैल्यू होगा, एक्स टी इजकल टू कितना होगा, 4.2 होगा, कैसे 4.2 होगा, कैसे काम चलेगा यार, है ला सिक्स कह रही है वो, सिग्नल तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया ऐसे 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 यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे सिग्नल का वैल्यू कितना है, तब उसी समय से यही पूछ रहे हैं यार, इधर तो सिग्नल ही नहीं है ना, फोर से इधर ना सिग्नल है ना ही इधर सिग्नल है, हैं, अब तुम लोग नर्सरी में पढ़ो, आप कैसे जेई बनोगे बताओ, इतना सिंपल कहीं होता है, बताओ ये इसके आगे तो पूरा जीरो है ये, तो इसीलिए हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे कहाँ तक सिग्नल एग्जिस्ट है, एक्स इजकल टू सॉरी टी इजकल टू 4 तक ही एग्जिस्ट है, टाइम टी इजकल टू टाइम है नहीं है, टाइम इजकल टू टी इजकल टू 4 तक ही ये सिग्नल एग्जिस्ट हो रहा है, बियॉन्ड 4 इट इज़ 0 है ना, या प्लस हो या माइनस हो, दोनों साइड में क्या हो रहा है, सिग्नल का वैल्यू 0 हो रहा है, हमें भी ये जब सिग्नल हम ड्रॉ करेंगे
ये वाला जब सिग्नल ड्रॉ करेंगे हम, जब हम ए सिग्नल ड्रॉ करेंगे ये वाला एक्स टू टी पे, तो यहाँ भी ये टोटल टाइमिंग कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 के आगे जाते हो आप तो सिग्नल वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 होने के लिए टी इक्वल टू कितना चाहिए? 2 चाहिए, क्योंकि अब 2, वही हम फॉर एग्जाम्पल कह रहे थे, एग्जाम्पल के लिए यदि टी इज कल टू 2 पॉइंट सपोज करो 1 हमने रखा, वही तो हम कह रहे हैं टी इज कल टू 2.1 रखा इस सिग्नल में, इसमें नहीं इस वाले में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसके लिए तो 4.2 के लिए तो सिग्नल ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 होने के लिए टी इज कल टू कितना होना चाहिए? ओनली 2 होना चाहिए। 2 से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा सिग्नल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉ किए थे, ये यहाँ पे ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ये बीच में आएगा, ये 0 हो गया, ये 2 और ये -2, ये कितना हो जाएगा? -1, ये हो जाएगा 1। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे जो सिग्नल है ये 4 तक जा रहा है ना, प्लस माइनस 4 के बीच में है। यहाँ का जो सिग्नल है कॉम्पैक्ट हो गया, ये हुआ कि नहीं? यहाँ -2 से 2 तक ही है ना। अब ये जो सिग्नल हो गया, जैसे आपने टाइम में स्केलिंग किया, इसको कहते हैं टाइम स्केलिंग, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग करने पे सिग्नल का जो कॉम्पैक्टनेस है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सिग्नल क्या हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया, कॉम्पैक्ट। कंपैक्ट हुआ ना, क्योंकि -2 से 2 तक ही जा रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे कितना था? ये ए था यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना है सिग्नल का? ए। और इस पॉइंट पे कितना है? बी। तो ये एज इट इज रहेगा, तो इससे क्या दो रिजल्ट आया, एक तो कंपैक्ट हो गया टाइम डोमेन में, इसको लिख लेते हैं ठीक से, कॉम्पैक्ट इन टाइम डोमेन, इन टाइम डोमेन कॉम्पैक्टनेस हो गया टाइम डोमेन में। बट अब इसको यहां पे लिख देते हैं ऊपर में, बट एम्पलीट्यूड विल बी सेम, विल बी सेम। दो पॉइंट आया, ये कॉम्पैक्टनेस इन टाइम डोमेन पहला टर्म हो गया, दूसरा क्या हो गया? एम्पलीट्यूड विल बी कॉन्स्टेंट, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके आप देखो, दूसरा वाला हम ड्रॉ करते हैं, दूसरा वाला हमें क्या चाहिए? T/2 का। यदि एक्स टी गिवेन है तो X(t/2) क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। यहाँ टी इज कल टू कितना है? अगेन ये मैक्सिमम 4 है, ये है ना। तो अब हम टी का कितना वैल्यू रखेंगे वहाँ पे जिससे कि वो 4 हो जाए? 8 रखेंगे तब 4 आ जाएगा, है ना।
एट से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस साइड में। तो ये अब इसके लिए ड्रॉ करते हैं। देखो हमें ड्रॉ करना है एक्स टी बाई टू। टी एक्स टी बाई टू ये हो गया टी। अब एट तक जाएगा ये, तो एट सपोज करो ऑब्वियसली इससे क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ये। तो ये यहाँ पे गया कहीं पे, एट हो गया, ये यहाँ पे गया माइनस एट हो गया। अब ये ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ये बीच में हो गया फोर, यहाँ भी हो गया फोर, ठीक है। हाँ माइनस होगा, ये यहाँ गया, सॉरी ये भी बड़ा हो गया। देखो ये ड्राइंग वाला मामला बहुत गड़बड़ है, पूरा स्केल में ये यहाँ पे गया, ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, लगभग लगभग वैसे ही बना ये। मैक्सिमम यहाँ पे होगा ये ऐसे, तो ये एक्स टी बाई टू आ गया यहाँ पे, फोर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। सिंपल है ना, बस दो नंबर आ गया तुम्हारा कंफर्म कम से कम। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है, अगेन एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, ये ए और यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। तो पहले तो कॉम्पैक्ट हो गया था, ये एक्सपैंड करेगा, ये सिग्नल क्या करेगा, एक्सपेंड किया, बट अगेन एम्पलीट्यूड सेम। इस केस में जैसे यदि टी बाई समथिंग है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा एम्पलीट्यूड, लेकिन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा सपोज करो ये एक्स टी गिवन है यहाँ पे, वन टू थ्री फोर और एक हो गया, ये यहाँ पे हो गया फाइव, ये हो गया एन और ये हो गया एक्स एन, एक्स एन, ठीक है। ये हो गया ज़ीरो वन टू थ्री एंड फोर, फोर हो गया। और सपोज करो ये इसका हो गया, तो आपको ये करना है फाइंड आउट। अब इसका सिमिलरली एम्पलीट्यूड सपोज करो ए है, इसका बी हो गया सी डी एंड ई करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है बी सी, कुछ भी हो सकता है ये, है ना, ये एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये निकालना है, आपको फाइंड आउट एक्स माइनस एन, ये निकालो इसका।
कैसे होगा ये? ये टाइम डोमेन में क्या है? इन्वर्स है ये, जब ये दिया हुआ है टाइम डोमेन में इन्वर्स है तो हम कैसे बनाएंगे इसको? यदि n इज इक्वल टू पॉजिटिव वन रखते हैं, है ना, n इज इक्वल टू पॉजिटिव वन रखते हैं तो ये सिग्नल कितना पे आएगा? माइनस वन पे आएगा। यदि n इज इक्वल टू वन रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? माइनस वन पे आएगा। नया वाला जो सिग्नल है ये कितना हो जाएगा? माइनस वन पे आएगा, यानी कि वन का वैल्यू माइनस वन पे आ रहा है। सिमिलरली n इज इक्वल टू टू रख रहे हैं हम, तो n इज इक्वल टू पॉजिटिव टू रख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? नया वाला सिग्नल क्या हो जाएगा? माइनस टू पे आएगा। तो बनाओ क्या आएगा इसका सिग्नल, एग्जाम में आएगा ये? ये पूछा हुआ है, ऐसे नहीं कह रहे हैं। ऐसा आएगा ये, जीरो का तो जीरो ही रहेगा। यहाँ पे यदि वैल्यू एन इजकल टू जीरो रख रहे हो तो यहाँ भी एन इजकल टू जीरो रखोगे आप तो एन इजकल टू तो एज इट इज रहेगा। अब एन इजकल टू वन रख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? यदि एन इजकल टू वन रख रहे हो इसमें तो ये माइनस वन आ जाएगा। दैट मीन्स ये सिग्नल कहाँ पर शिफ्ट हो गया? माइनस वन पे। तो हमने ये क्या रख दिया यहाँ पे? ये माइनस वन पे हो गया, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी एंड ई। ये होगा तो ये जीरो का जीरो पे आया, ये माइनस वन पे आ गया वन का, ये माइनस दो का मैक्स माइनस टू पे, थ्री का माइनस थ्री पे एंड फोर का माइनस फोर पे। तो ये हो गया आपका एक्स माइनस एन का सिग्नल, ठीक है। सपोज करो कोई भी सिग्नल यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, एक्स एन, एक्स एन इजकल टू दिया हुआ है यहाँ पे 0, 3, 5, 1, 2। इसका मतलब ये ड्रॉ करो तो कितना आएगा? ये कौन सा सिग्नल है? ये कंटिन्यूअस कि डिस्क्रीट? डिस्क्रीट सिग्नल है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे ग्राफिकली? ग्राफिकली मतलब ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0, 3, 5, 1, 2 के ग्राफ रहेगा। नहीं बताओ, लिख करके बताओ कितना आ रहा है। देखो कोई चीज़ जब तक नहीं करोगे वैसे हवा हवाई में नहीं आता है, गलत हो जाएगा। ये
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं इसको। ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड डोमेन, देखो यहाँ भी कहीं भी एरो नहीं दिया है यहाँ पे, है ना। जब एरो नहीं दिया है तब हम यहाँ पे इसको ये सपोज करेंगे ये जीरो पे है, ठीक है। तो ये जीरो पे कितना है, ये जीरो वैल्यू है, और वन पे थ्री वैल्यू है। ये सपोज करो ये वन है, थ्री वैल्यू, यहाँ पे दूसरा है फाइव वैल्यू, फिर क्या है वन वैल्यू, फिर क्या है टू वैल्यू। तो ये जीरो हो गया, वन टू थ्री एंड फोर तक वैलिड है, उसके बाद क्या है जीरो है। ये हो गया एक्स एन, ठीक है। तो जब एरो नहीं दिया है तब हम क्या यहाँ पे सपोज करते हैं, पहला टर्म वो जीरो पे है, नेक्स्ट वन हो गया कि नहीं हुआ, लिखो ले गया। बैक कैसे आता है ये पता है, बैक हाँ आ गया, देखो तो ये जीरो हो गया, थ्री हो गया, ये थ्री फाइव वन हो गया, ये टू हो गया, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे एक्स एन दिया हुआ है, एक्स एन, और ये दिया है ऐसे वन फाइव टू थ्री सिक्स वन फोर, और यहाँ पे ऐसे एरो दिया है ना, यहाँ पे ऐसे एरो दिया है। तो एरो का मतलब क्या होता है, जीरो, है ना, टाइम एन इक्वल टू जीरो। तो एरो दिया है तो सपोज करना चाहिए कि यहाँ पे जीरो, यदि नहीं दिया है तो ये जीरो पे होता। अब इसका बनाओ कैसे होगा ये ग्राफिकल, टू फाइव वन, उसके बाद थ्री, ये हो जाएगा सिक्स, ये सिक्स है ये, उसके बाद फिर वन है वन, एंड ये हो गया फोर। एक्चुअली ये सेपरेशन सेम होना चाहिए ये, है ना, जीरो वन टू थ्री एंड फोर। एनी डाउट बताओ, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे टू जीरो पे है तो ऑब्वियसली फाइव क्या पे होगा, माइनस वन पे होगा,
ये माइनस टू पे होगा, जितना इधर रहता है उतना ही बढ़ते जाएगा ये, और ये कितना हो गया, वन पे हो गया, टू पे, थ्री पे एंड फोर पे, ये सिग्नल है। ठीक है, नाउ जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है, ये हो गया एक्स एन, सो ये हो गया वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ऐसे है ये वन है, एम्पलीट्यूड इसका टू थ्री फोर एंड फाइव है। अब आपको ये ड्रॉ करना है कि एक्स पावर एक्स माइनस एन और दूसरा है माइनस एक्स एंड माइनस एन, ये फाइंड आउट करना है। आएगा ना करने, करो इसको। एक्स एन गिवेन है, हमें ये फाइंड आउट करना है एक्स माइनस एन एंड माइनस एक्स माइनस एन। तो सबसे पहले ए नंबर करो, कितना आ रहा है, ये हो गया एन, माइनस का मतलब क्या होता है, टाइम रिवर्सल, अभी बताया था मैंने, तो टाइम रिवर्सल का मतलब क्या होता है, ये वाई एक्सिस को मिरर इमेज होता है, ये जैसे हाथ ऐसे रख दो और इसको पलट दो ऐसे, तो ये मिरर इमेज कहते हैं इसको, तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एन। फिर उसके बाद क्या करना है, पहले तो ए नंबर करो, फिर सेकेंड में क्या करना है, एम्पलीट्यूड रिवर्स करना है, सॉल्व किया, दिखाओ। वेरी गुड, बाकी लोग हुआ, पहला हो गया, दूसरा भी सिंपल है, एम्पलीट्यूड रिवर्स होना है। देखो तो सबसे पहले हम ये ड्रॉ करते हैं इसका, ये एन हो गया एक्स माइनस एन, ठीक है, अब हमने क्या कहा, इसको ऐसे रिवर्स कर दो, है ना, मिरर इमेज होगा वाई एक्सिस का, तो ये जीरो का तो जीरो पे ही रहेगा, ठीक है, ये वन माइनस वन पे गया,
माइनस टू माइनस टू पे, ये माइनस थ्री पे, और ये हो गया माइनस फोर। तो ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर, ठीक है। एम्पलीट्यूड्स अकॉर्डिंगली ऐसे ही रहेगा, ये माइनस फोर पे कितना है वन, तो ये वन हो गया, ये हो गया टू थ्री फोर एंड दिस इज फाइव, ठीक है। ये एक्स माइनस एन हुआ, अब हमें ये तो एक नंबर हो गया, ये नंबर, सो एक्स एक्स माइनस एन, सॉरी। सेकेंड वन ये हो गया माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, ये एम्पलीट्यूड का मतलब वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के ये क्या होगा, मिरर इमेज होगा यहाँ पे। यहाँ पे माइनस का मतलब एम्पलीट्यूड रिवर्स, एम्पलीट्यूड रिवर्स का मतलब ये वाई एक्सिस है यहाँ पे, सॉरी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, ये मिरर इमेज होना चाहिए। तो ये जीरो पे चला गया ये, और ये जीरो वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड दिस इज माइनस फोर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फाइव फोर, सारे माइनस में हो जाएगा, मतलब टाइम डोमेन में भी माइनस में और एम्पलीट्यूड भी माइनस में, माइनस थ्री माइनस टू एंड माइनस वन। ठीक है, क्लियर। देखो अब नेक्स्ट बस एक और करा देते हैं, उसके बाद दूसरा कराया जाएगा। यो कोई सिग्नल है ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये माइनस वन पे है, ये जीरो पे है, ये हो गया वन पे, ये हो गया एक्स टी, ये हो गया टाइम। तो आपको ये ड्रॉ करना है, इसका एक्स टी बाई टू एक्स टी एक्स टी बाई टू ए ड्रॉ करना है, बी एक्स, अब ये हो गया थ्री टी, और सी एक्स माइनस टू टी, इसको ड्रॉ करना है। ट्राई करो इसको, ए
अगेन यहाँ पे क्या है टाइम, सर नंबर ए में एक्स टी बाई टू, बी में एक्स थ्री टी, और सी में हो गया माइनस एक्स माइनस टू टी। जीरो पॉइंट फाइव और ये हो जाएगा प्लस जीरो पॉइंट फाइव, और ये एग्जाम ये मैग्नीट्यूड ए है तो ये भी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए। एक नंबर किया क्यों, अभी तो कराया था मैंने। हाँ बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, एक्सपेंड होगा या कम्पैक्ट होगा? बी नंबर कम्पैक्ट होगा। और ए नंबर, ये बी नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये? हाँ माइनस वन बाई थ्री से प्लस वन बाई थ्री। और ए नंबर माइनस टू से टू तक जाएगा। और थर्ड नंबर, हाँ जीरो पॉइंट, तो ये तो हो गया माइनस वाला। क्या माइनस में क्या करना है, जस्ट इमेज हो जाएगा वाई एक्सिस के, ये इमेज फिगर होगा वाई एक्सिस के प्रति। अब इसको क्या करना है, फिर माइनस में करना है, तो ये फिगर हो जाएगा फाइनली। यहाँ दो दो बार मतलब ये रिवर्सल है, एक तो टाइम डोमेन दूसरा एम्पलीट्यूड डोमेन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ये ऐसे हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये माइनस एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये डाउनवर्ड माइनस एम्पलीट्यूड का मतलब ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, और ये यहाँ पे आके मिल जाएगा ये। तो ये हो गया माइनस जीरो पॉइंट फाइव, जीरो पॉइंट फाइव ये हो गया टी, ये हो गया एक्स टी। अब यहाँ से तो क्लियर हो गया होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल, या तो टाइम में हो या एम्पलीट्यूड में हो, दोनों कर सकते हो आप।
हो गया। कंटिन्यूअस टाइम कॉम्प्लेक्स, कंटिन्यूअस टाइम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एंड पीरियोडिक सिग्नल। तो लेट अस एक्स टी इज इक्वल टू सी ई पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, सो सी इज क्या, इसको और जनरल फॉर्म में लिख दो इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जे ए टी, ये मोस्ट जनरल फॉर्म है ये इसका। ये ऐसा एक इक्वेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये इक्वेशन। ये सिग्नल का ऐसा सिग्नल है, ये करीब करीब 90% सिग्नल इसी में आता है, चाहे कोई सा भी सिग्नल हो। अब अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन सी एंड ए यू कैन डिजाइन एनी सिग्नल और यू कैन रिप्रेजेंट एनी टाइप्स ऑफ सिग्नल बाय वेरिंग सी एंड ए। सो यहाँ पे लिख सकते हो यू कैन एक्सप्रेस एनी सिग्नल बाय वेरिंग ए एंड सी ए और सी को वेरी करके आप कोई सा भी सिग्नल एक्सप्रेस कर सकते हो। सो ए वेयर ए एंड सी मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ए और सी रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना। अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर वी कैन रिप्रेजेंट ए एंड सी आइदर इन अ रियल फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये वन बाय वन हम देखेंगे इसको रियल और कॉम्प्लेक्स के टर्म में। सो नाउ वी अज्यूम ए एंड सी आर रियल। सो केस वन लिख लिए। सो नाउ वी अज्यूम, इसको रहने देते हैं, इसको मिटा दें।
ये हमने लिखा था यहाँ पे एक्स टी, ये कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल है ये। अब केस वन में हम ये करते हैं, केस फर्स्ट, फर्स्ट केस वेयर ए सी इज रियल, वेयर सी इज रियल एंड दोनों कर देते हैं ए एंड सी एंड ए दोनों रियल है, तो दोनों रियल के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, यहाँ भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, है ना। सो फॉर पॉजिटिव ए, तो यदि ए और सी दोनों रियल है, ठीक है, तो ये तो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार ए का वैल्यू निगेटिव रखेंगे, दूसरी बार पॉजिटिव रखेंगे। सो इफ ए इज पॉजिटिव, फर्स्ट केस में हमने ये किया कि ए को क्या किया, पॉजिटिव रखा, तो पॉजिटिव रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, कैसे जाएगा, ये ए का वैल्यू मान लो कि 1 2 3 4 जो भी है पॉजिटिव वैल्यू हमने रखा, तो इनफाइनाइट टाइम पे सिग्नल कितना हो जाएगा, टी इजकल टू इनफाइनाइट पे सिग्नल का वैल्यू कितना होगा, या सपोज सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं जीरो से, है ना, टी इजकल टू ये टी हो गया, यहाँ पे ए पॉजिटिव वैल्यू है और सी भी, यहाँ पे लिखो पॉजिटिव वैल्यू एंड सी भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, इज पॉजिटिव, ये हो गया एक्स टी, है ना। तो यहाँ पे टी इज कल टू जीरो पे कितना हो जाएगा, केवल सी वैल्यू आएगा, टी इज कल टू जीरो रखेंगे तो वन आ गया, ये सी आ गया, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे सपोज करो ये हो गया सी, सी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ग्रो करेगा टी का वैल्यू 4 5 6 7 वैसे ही कि एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, है ना, तो ये राइज करेगा। अब टी का वैल्यू आप निगेटिव में रखो, निगेटिव में रखने से कितना हो जाएगा, ये सी डिवाइडेड बाई ई पावर ए टी हो जाएगा निगेटिव वैल्यू के लिए। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा ये टोटल वैल्यू क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सी के पावर ये है, ये है ना। तो जैसे जैसे टी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, टोटल वैल्यू डिक्रीज करेगा, माइनस इनफाइनाइट व्हेन टी इजकल टू माइनस इनफाइनाइट, टी इजकल टू माइनस यहाँ पे क्या करो, इनफाइनाइट रख दो, चूँकि माइनस है तो वन बाई आ जाएगा ये, तो सी बाई ए टी यानी कि ए इनफाइनाइट, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, तो समथिंग बाई इनफाइनाइट कितना होता है, जीरो होगा ना, समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये होगा कहीं पे इनफाइनाइट होगा, वहाँ पे जीरो वैल्यू होगा एंड एक्सपोनेंशियली ये ग्रोथ करेगा ऐसे ऐसे, मतलब ये ऐसे जाएगा, है ना, जीरो पे सी आएगा ऐसे, एग्जैक्ट यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये टी इजकल टू माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, ये ई ए इनफाइनाइट सी क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट होगा, है ना, तो ये इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट जाएगा, लेकिन माइनस इनफाइनाइट पे क्या होगा, जीरो जाएगा। तो ये केस हमने वन लिया, वन में भी ये क्या है, हमने एज्यूम किया कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, गया। केस वन में भी ये केस ए है, ये ए में हमने क्या किया, दोनों पॉजिटिव एज्यूम किया, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है,
नेक्स्ट कॉपी कर ली है। पानी मिल जाए बस इसको धो दीजिएगा मैडम। सही है ना वो? तो अभी भी केस वन है ये। अब दूसरा की हमने ए लिया था कि दोनों पॉजिटिव लिया था। अब यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ए बी केस लिया, तो बी केस में हम ये कहते हैं बी में हम ये करते हैं सी पॉजिटिव रहने देते हैं, ए को निगेटिव करते हैं। सो सी इज पॉजिटिव एंड ए इज निगेटिव। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? xt इज कल टू सी में पॉजिटिव है, e इज कल टू कितना हो जाएगा? ए टी। अब ए हमने क्या लिया? निगेटिव लिया, तो ये हो जाएगा सी ई पावर माइनस ए टी। तो टी इज कल टू जीरो पे कितना हो जाएगा ये? अगेन वो एज इट इज रहेगा ये। ये हो गया टी एक्स टी। यहाँ पे सी इजकल टू सी हो जाएगा, टी इजकल टू जीरो पे। अब ये क्या करेगा? ऐसे आएगा ये सिग्नल। अब इनफाइनाइट टी पे क्या होगा? ये जीरो होगा। है ना? अब ये क्या हो जाएगा? ये क्योंकि माइनस टी पे कितना, माइनस इनफाइनाइट पे अब प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि हमने क्या लिया है? माइनस लिया है, है ना? तो अब माइनस का माइनस कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस साइड में मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है इनफाइनाइट पे, और यहाँ पे पॉजिटिव टी के लिए, पॉजिटिव टी इज कल टू इनफाइनाइट के लिए ये क्या हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स है पहले वाला से। पहले वाला से ये रिवर्स हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट अब ये थर्ड केस में क्या करो? यहाँ पे निगेटिव रख दो सी सी में क्या करो कि ये तो निगेटिव सी इज निगेटिव। C इज निगेटिव, A इज निगेटिव, दोनों निगेटिव है। तो कैसा होगा ग्राफ इसका? आ गया? हाँ, तो ये आएगा ना बी वाला का आएगा, बी वाला जैसे आएगा क्योंकि ये भी निगेटिव है, ए निगेटिव है ना।
देखो ऊपर में क्या लिखा है। देखो ये यदि सी पॉजिटिव था तो हमने ऐसे लिया था ठीक है ना, लेकिन अब ये सी निगेटिव हो गया तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, ये ऐसे आएगा। माइनस एटी, सो दिस इज एक्स टी, तो ये वाला नहीं होगा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो हमने दोनों क्या किया था, रियल लिया था इस सिग्नल में, है ना, इस सिग्नल में हमने क्या किया था, दोनों रियल लिया था। अब सपोज करो एक हम इमेजिनरी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकंड, केस सेकंड, पहला तो बनाया था ना। अब सेकंड केस में क्या कहते हैं कि सी इज इक्वल टू, ये रियल हो गया, रियल एंड ए इज इमेजिनरी, इमेजिनरी। तो ये हो जाएगा एक्स टी, तो ये हो गया एक्स टी इजकल टू सी ई पावर जे ए टी, आई आई लिखो या जे लिखो, दोनों एक ही होता है। ये हो गया, अब इसको आप क्या कर सकते हो, यूलर फार्मूला लगा के क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में ब्रेक कर सकते हो, तो ये हो जाएगा इक्वल टू सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए टी ए टी प्लस पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है, तो ये एक्सपोनेंशियली यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, साइन और कोसाइन के टर्म में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया फेजर पार्ट।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी नंबर लिया और सी रियल नंबर लिया। तो इसे क्या कर सकते हो आप, साइन और कोसाइन के टर्म में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो टर्म है साइन और कोसाइन, ये क्या है, साइनोसोइडल सिग्नल है ये। जब आप ऐसे करते हो, सी रियल रखते हो और ये इमेजनरी रखते हो, तो ये क्या देता है आपका, साइनोसोइडल सिग्नल देता है। साइनोसोइडल सिग्नल जब ये कंडीशन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो ये क्या करता है, एक्सपोनेंशियल नहीं देता है, ये साइनोसोइडल सिग्नल देता है। ठीक है, ये देता है साइनोसोइडल सिग्नल। तो एंगल में ये जितने पावर होता है, ये एंगल में ये हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया साइन और कोसाइन के। तो अभी तक हमने जो पढ़ाया है, इसमें एनी डाउट अभी तक में? नो डाउट। ओके, अब बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, अभी यहीं तक रखो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।